कांग्रेस की राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा जोरों शोरों से चल रही है। जनता का राहुल गांधी को खूब समर्थन मिल रहा है, तो वहीं इस यात्रा में अलग अलग क्षेत्र से नामी लोग राहुल गांधी के साथ शामिल होते दिख रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर खूब खबरें आती हैं। अब राहुल गांधी ने अपने बचपन का एक किस्सा शेयर किया है जो काफी दिलचस्प है और इससे पहले ये आपने कभी सुना भी नहीं होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये दिलचस्प किस्सा। आपको बता दें, राहुल गांधी की खबरें भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हर रोज आती हैं। तो वहीं इन्होंने अपनी जिंदगी की एक ऐसी बात शेयर की है जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक यूट्यूबर संतीश भाटिया को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने अपने बचपन की कई सारी बातें बताई। उन्होंने बताया कि जब मैं बच्चा था तब मैंने अपनी माँ के पास जाकर उनसे पूछा कि मम्मी, क्या मैं सुंदर दिखता हूँ? माँ ने मेरी तरफ देखा और कहा, नहीं, तुम ठीक ठाक दिखते हो। इसलिए मेरे दिमाग में यही विचार बैठ गया कि मैं औसत दिखता हूँ। जब इंटरव्यू ने पूछा कि क्या एक ऐसी कहानी है ये जिसे आप अच्छा लगने के लिए बनाते हैं, राहुल गांधी ने कहा, नहीं नहीं, मेरी माँ ऐसी ही है। मेरी माँ आपको हमेशा सच बताएंगी, वो वही कहेंगी जो सच है। इसके साथ ही मेरे पिता भी और मेरा पूरा परिवार ऐसा ही है, किसी बात को बड़ा चढ़ाकर बिल्कुल नहीं करते। यदि आप कुछ कहते हैं तो वो आपको वही बताएंगे जो आपके बारे में सच है। इसलिए मेरी माँ ने कहा है कि आप औसत हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप बहुत सुंदर हैं क्योंकि आप हमारे बेटे हैं। ये बात मेरे दिमाग में बचपन से है। एक सवाल में राहुल गांधी ने कहा कि बेशक मैं भगवान में विश्वास करता हूँ। मैं उस भगवान में विश्वास करता हूँ जिसमें मेरी आस्था है। मैं उस भगवान में विश्वास नहीं करता जो किसी और का डिजाइन है। ये एक बहुत ही व्यक्तिगत विचार है, मेरा आंतरिक विचार है। यदि आप दार्शनिक पक्ष पर जाना चाहते हैं तो मैं कहना चाहता हूँ कि शिव एक अच्छे विचार है। हमारी प्रणाली में शिव की अवधारणा को समझना बहुत कठिन है और मैं उस दिशा में आगे बढ़ूंगा। शिव आत्मा अहंकार से परे एक विचार है। इसके बाद अपनी जिंदगी के बारे में बताते हुए राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वे अपने लिए जूतों की खरीदारी खुद करते हैं, लेकिन कभी कभी माँ और बहन उनके लिए जूते भेज देती हैं। उन्होंने कहा कि मेरे कुछ नेता दोस्त हैं जो मुझे जूते गिफ्ट भी कर देते हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या बीजेपी से भी कोई ऐसा दोस्त है, तो इस पर वो कहते हैं कि नहीं नहीं, वो केवल मुझ पर जूते फेंकते हैं। जाहिर है कि भारत जोड़ो यात्रा 21 और 22 नवंबर को रुकी रहेगी और 23 नवंबर को मध्य प्रदेश की ओर बढ़ेगी। देखा जाए तो राहुल गांधी की यात्रा को जन समर्थन मिल रहा है। रोज इससे जुड़ी हुई खबरें सामने आती हैं। कभी राहुल गांधी बीजेपी पर वार करते हैं तो कभी कोई नामी हस्ती उनकी यात्रा में शामिल होती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।